साठ बॉल की क्रिकेट टूर्नामेंट सुपर 60 लेजेंड्स को कल वडोदरा शहर में लॉन्च करवाया गया। सैम ग्रुप की ओर से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का लॉन्च कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, जिस दौरान पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल, इरफान पठान, यूसुफ पठान और उनके साथ बॉलीवुड के कलाकार सुनील शेट्टी भी मौजूद रहे थे। टेस्ट मैचों से लेकर वनडे, इंटरनेशनल से लेकर T20 तक क्रिकेट का काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है और क्रिकेट लोकप्रिय खेलों में से एक है। यूएसए में यूएस मास्टर्स T10 की सफलता के बाद सैम ग्रुप की ओर से 60 बॉल की टूर्नामेंट सुपर 60 को भारत में लाया गया है। सुपर 60 लेजेंड्स का लॉन्च कार्यक्रम कल गुजरात के वडोदरा में आयोजित करवाया गया था। सैम ग्रुप की ओर से ये आयोजन करवाया गया था, तब इस आयोजन के तहत भारत के पहले T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनने वाले आरपी सिंह, पार्थिव पटेल, इरफान और यूसुफ पठान और साथ ही बॉलीवुड के कलाकार सुनील शेट्टी मौजूद रहे थे। दिग्गज क्रिकेटर और बॉलीवुड के कलाकार सुनील शेट्टी की मौजूदगी में 6 फ्रेंचाइजी शहर के नामों की घोषणा की गई थी और साथ ही इस दौरान सुपर 60 लेजेंड्स को लॉन्च भी करवाया गया था। डेवलप हो रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है गुजरात, ओवरऑल बहुत ही डेवलप हो रहा है, अच्छा ही लगता है। एक डर हमेशा रहता है कि यहाँ का खाना खाने के बाद है ना, मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, खाने पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो ओवर ईटिंग हो जाती है मेरी, लेकिन वरना बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ू वो बोलू लो, बदा दोस्ता गुजराती है ना, एना माटे थोड़ू वो गुजराती बोलू छू। यही कि रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी स्पोर्ट खेलना, कुछ भी एक्टिव रहना, दिन में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और खाने पे एक कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। अगर दिल से लोग चाहे कि वो फिट रहे तो फिट रह सकते हैं। देखिए, एक फिल्म कर रहा हूँ केसरी वीर, लेजेंड ऑफ सोमनाथ के ऊपर है, तो उस फिल्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिल्म कम्प्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और उसी का इंतज़ार है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ऐसा किरदार है वेगड़ा जी का जिसे मैं लोगों को दिखाने के लिए भी एक्साइटेड हूँ और खुद भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑफकोर्स उनका फ़ायदा के अलावा उन्हें हम देखते रहेंगे, बच्चों को उनसे सीखना मिलता है, क्योंकि देखिए जब एक क्रिकेटर रिटायर भी होता है तो वो कहीं ना कहीं कोच, कमेंटेटर, एक लेजेंड के हैसियत से आता है और ये मौका है कि वो लेजेंड्स की करियर्स को और एक 5-10 साल खींचने का, उन्हें एक्टिव रखने का, और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें उनके साथ वक्त बिताने का भी मौका मिलेगा। गुजरात में हमें आ वक्त सूरत में रमवानो प्लान छे डिसेम्बर में, अने जे प्रमाणे कीधुं ए प्रमाणे आपणे 6 फ्रेंचाइज अने ऑल ओवर वर्ल्ड ना बधा लिजेंडरी प्लेयर आवशे रमवा माटे। ए तो हवे अत्यारे क्रिकेट अत्यारे बहु सरस रीते जई रह्युं छे, जेटलो सपोर्ट थाय एटलो करी रह्या छे अने जेटलो प्रमोट थाय एटलो करी रह्या छे, અને ભગવાનની દયાથી બહુ સરસ કામ થઈ રહ્યું છે, સો હજુ અને આગળ ને આગળ લઈ જઈશું। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।